इसके लिए मैंने दो तरह की सूखी लाल मिर्च ली है, काश्मीरी लाल मिर्च और तीखी लाल मिर्च। इसे हम पानी में बॉयल करेंगे 5 मिनट के लिए ढककर, ताकि मिर्च बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में निकाल कर बारीक एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है, 1/2 कप एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है और 1/4 बारीक कटी हुई अदरक लेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमें इसका कच्चापन निकल जाने तक हम इसे भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने मिर्च का पेस्ट तैयार किया था। ढककर हम मिर्च को तब तक भूनेंगे जब तक मिर्च अच्छे से भुन न जाए और तेल न छोड़ दे। आप देख सकते हैं दोस्तों, मिर्च ने चारों तरफ किनारे से तेल छोड़ दिया है। मिर्च बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ स्वादानुसार नमक, 1/4 टीस्पून सोया सॉस, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच वेनेगर, 2 चम्मच टमाटो केचप। इन सभी चीजों को हम 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेते हैं और हमारी बहुत ही जैसी तीखी चटपटी चटनी हमें मिलती है, वही ट्रिक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, 6 लहसुन की कलियां डालेंगे, 7 से 8 कड़ी पत्ते, 1/2 छोटा चम्मच राई, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल, 1/2 छोटा चम्मच हींग, 1 कप पीनट यानी कि मूंगफली है, और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, साथ ही में मेरे पास 1/2 कप इमली का पानी है। स्वादानुसार नमक डाल लेते हैं, इसे हमें बस 1/2 मिनट के लिए भूनना है। तो मसाला भी अच्छे से भून चुका है, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। वो ठंडा हो चुका है तो इसे हम मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम 1/4 कप पानी डालेंगे, जिससे कि जो सारा मसाला है वो हमारा वेस्ट नहीं जाए। अब हम इस पानी को मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और चटनी को दरदरा पीस कर रेडी कर लेते हैं। से छिलका निकाल दीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बारीक सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। इसके बाद इसमें हमें भुना हुआ जीरा डालना है, बारीक सा प्याज डालना है, छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए लहसुन डालना है, यहाँ पे मिर्च डाल दिया है छोटे टुकड़ों में काट कर, धनिया की पत्ती डालना है, काश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, काला नमक डाल देना है, स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। इसके बाद 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए, आपस में मिक्स कर दीजिए दाल चावल के साथ। डालेंगे, इसके अंदर 1 कप चीनी डालेंगे, आप इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं 1/3 कप आमचूर पाउडर डालूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 2/3 टीस्पून में नमक डाल रही हूँ और 2/3 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 2/3 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, सूखी हुई अदरक का पाउडर जो मैंने घर पे बनाया हुआ है वो डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें 3 से 4 उबाल देने हैं, इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। चीनी, पानी और खटाई नापने के लिए आप कोई सी भी कटोरी लें, लेकिन कटोरी सेम होनी चाहिए। अब इसके अंदर मैं 1 चुटकी हींग डाल दूंगी, इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें नमक, मिर्च और चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर आप पिसी हुई सौंफ, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला या काला नमक भी डाल सकते हैं, पर हम इसी तरीके से बनाते हैं इसको, इसलिए मैं आपको इसी की रेसिपी बता रही हूँ।
इस चटनी को आप कभी भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं ठंडा होने के बाद किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, और कभी भी आपका चाट पकौड़े या कुछ खाने का मन करे तो आप फटाफट से फ्रिज में से निकालिए और इसको सर्व करिए और अपने जो चाट पकौड़े हैं उसको एंजॉय करिए। इसमें हमें 3 से 4 उबाल देने हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है हमें इसको। इसे हमेशा लो फ्लेम पर ही पकाना है, कभी भी हाई फ्लेम पर इसे ना पकाएं। ये देखिए हमारी जो सॉट है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे हम चेक कर लेंगे, फिंगर्स के बीच में इस तरीके से थोड़ा सा ग्रीसी लगेगा, यानी कि हमारी जो सॉट है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे ठंडा होने के बाद हम किसी बोल में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। आप चाहें तो इसके अंदर कटे हुए छुआरे भी डाल सकते हैं, या खरबूजे की गिरी भी डाल सकते हैं, या किशमिश भी डाल सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही बनाया है। ये देखिए हमारी जो खट्टी मीठी चटनी है वो एकदम बिल्कुल बढ़िया बनके रेडी हो चुकी है, और इसे बनाने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अगर ये चटनी बच जाए तो आप किसी एयरटाइट कंटेनर में इसको करके रख सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि या तो आप इसे किसी कांच के एयरटाइट कंटेनर में करें या किसी प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर में बंद करके अच्छे से रख दें। और जो एयरटाइट कंटेनर है वो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए जब भी आप इसको स्टोर करेंगे उसमें। इसको आप 5 से 6 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रखे रखे आपकी जो सॉट है ये गाढ़ी हो जाए तो आप थोड़ी सी निकाल कर इसके अंदर पानी मिक्स कर कर एंजॉय कर सकते हैं। एक मैं आपको चाट बना के दिखा रही हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़े से केले डाले हैं और कटे हुए ये अंगूर डाले हैं, और थोड़ी सी 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें ये मीठी चटनी डाली है। कभी भी आपका कुछ चाट वाट खाने का मन करे तो आपके पास कोई भी फल हो, आम केला या कोई भी फल हो आपके पास, उसके अंदर ये चटनी डालिए, और आप चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं, चाहे तो किसी रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए।